सलाम जी, मेरा नाम सलमान गौरी है, मैं लाहौर में आउटडोर ट्रेनिंग काम करता हूँ। पिछले 2-2.5 माह से फारिग बैठे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आपने काम नहीं कर सकते और बिकॉज ऑफ कोरोना हमारी इंडस्ट्री बंद है। सबसे पहले 2 इंडस्ट्री बंद हुई पाकिस्तान में, होटल और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग कंपनी। पिछले 2.5 माह से हमारे साथ जो लोग मिलकर काम करते हैं, उसमें फूड वाले हैं, उसमें लाइट है, ड्रेसिंग है, जनरेटर्स हैं, साउंड वाले हैं, मजदूर हैं, लोडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, लाखों लाखों लोग घरों में बैठे हुए हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई आपको 12 तो 6,000 मिला आपको। मेरे नहीं ख्याल के शायद किसी को 6,000 मिला हूँ, नहीं चाहिए हमें 5-6,000 रुपया या 12,000 रुपया हमारे लेबर को। हम बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक चीज की एक हद होती है, 2.5 माह से कोई काम नहीं है और 2.5 माह से हम अपने खर्चे कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, डे फर्स्ट से लॉकडाउन के पहले दिन से टिल नाउ आज तक। जनरल स्टोर खुले हैं, मेडिकल स्टोर खुले हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे, मॉल बंद थे खुल गए, कपड़े वाले बंद थे खुल गए, जूती वाले बंद थे खुल गए। सिर्फ पाबंदी कैटरिंग वालों पे कि जी तुम नहीं खुलना, हम कोरोना फैला देंगे। और भाई छिड़े बाजार में जाके देखो, लिबर्टी मार्केट जाके देखो, मॉल में जाके देखो, बंदे में बंदा चढ़ा है, कोरोना तो वहां फैल रहा है। हमने तो कहा था SOPs देंगे हम, एक टेबल पे 10 नहीं 5 लोग डालेंगे, एक मार्केट में 1,000 बंदे काम होता है, हम 300 बंदे काम कर लेंगे, 400 बंदे काम कर देंगे। कहा गया नहीं जी आप लोग कोरोना फैलाएंगे। हालात बहुत बुरे हैं, हम आपस में जो मर्जी कहें लेकिन अंदर से हम लोग सब हिल गए। केटरिंग वाले का, आउटडोर केटरिंग वाले का सामान पड़ा पड़ा रोल गया है, गोदामों वाले किराया नहीं छोड़ रहे, किसी ने किराया नहीं छोड़ा। चल लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने किराया छोड़ा है। मेरा ऑफिस, मेरा सेटअप जहाँ पे है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो मेरा किराया छोड़ दिया, भैया आपने खिलाया किराया नहीं देना, काम के लिए किराया नहीं देना। ये चंद लोग हैं लेकिन लोगों ने किराया नहीं छोड़ा। हमारे फील्ड के लोग बेचारे जो सफेद पोश हैं वो अपने घरों के लिए बेचने में मजबूर हैं। वेटर, स्वीपर, गार्ड्स, शेफ्स, तंदूर वाले, बारबेक्यू वाले, चाइनीज फूड वाले, थाई फूड के कारीगर थे बेचारे, कहाँ पे काम करे, रेस्टोरेंट ही बंद हैं। चलो ये बनता कहीं दिहाड़ी कर लेते, तो दिहाड़ी जो उनको काम नहीं आता है, या तो ना वो बेचारे मजदूरी करते हैं, ईंटे उठा लेते हैं। एक बेचारा जो शेफ जिसने 25 साल लगाए, 20 साल का अच्छा शेफ बना है, वो कहाँ जाके मजदूरी करे, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। मैंने सुना है बेचारे जो गरीब लोग हैं वो 800 दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि अल्लाह का वास्ता है, इस इंडस्ट्री पे गौर किया जाए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मौजदेब लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। जिस तरह सब कारोबारी लोगों को बुलाया, मीटिंग्स की, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे बड़े, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मियां इलियास साहब हैं, शाहिद इस्माइल साहब हैं, इशफाक साहब हैं, ना बुलाए 50 लोग, इन 3 लोगों को बुला के अल्लाह का वास्ता इनसे मीटिंग कर लें, हमारा आउटडोर केटरिंग ही खोल दें, 50-100 बंदे काम खोल दें, हम सर्वाइव कर देंगे। मजीद 15 दिन के बाद हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, उसका हल ये होगा जिस तरह कराची में ताजरों ने कहा था कि हम दुकानें खोलने जा रहे हैं, हम SOPs दे देंगे, दे दिया दे दें, या हम दुकानें खोल लेंगे। हमारा भी आखिरी हल ये होगा, हमें या तो आप SOPs दे दें या हम अपनी दुकानें खोल लेंगे, हम अपने कारोबार खोलेंगे। होगा क्या, आप हमें गिरफ्तार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हम मर तो वैसे ही चुके हैं। केटरिंग वाले तो बेचारे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, 2.5 महीने बहुत होते हैं, दुकान बंद, एक चावल का दाना नहीं बेच सके। लोगों ने टनों के हिसाब से चावल बेचा है, बड़ी मंडी में टनों के हिसाब से चावल बिका है, गाड़ियों के गाड़ियां बिक गई हैं, हमने कुछ नहीं बेचा, हमारे पास बेचने को है भी कुछ नहीं। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मियां असलम इकबाल साहब से हमारे लाहौर किए हैं, अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता है हमें कोई टाइम दे दे, हमसे मीटिंग कर लें, हमारे वफद को मिल लें, ना मिला है 40-4 बंदे, सिर्फ 3-4 लोग हमारे बड़े उनको मिल लें, कोई ना कोई हल निकल आएगा, हम लोग सर्वाइव कर देंगे, अदरवाइज हम भूखे मर देंगे। प्लीज हमारे पे रहम किया जाए। थैंक यू वेरी मच।